नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धन संवाद। धनु राशि वालों, फरवरी के महीने में ये दूसरा सप्ताह यानी वैलेंटाइन डे कैसा रहने वाला है आपका? आप अपनी राशिफल तो देखते ही होंगे, इन 7 दिनों में किस दिन कैसा रहेगा और आपके लव को प्रपोज करने का सही वक्त है या नहीं, अगर है तो कब है, कब लाभ होगा, हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। दोस्तों, 8, 9 और 10 फरवरी चौथे भाव का चंद्रमा थोड़ी सी हालांकि यहाँ पे परेशानी दिख रही है, और ये हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि जो गोचर में प्रभाव है वो बतला रहे हैं। वैसे धन के मामलों में लकी रहेंगे, शॉपिंग कर सकते हैं यानी खर्चे होंगे। मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, आप थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, थोड़े आलसी हो सकते हैं, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी होती दिख रही है। और इन 3 दिनों में ही आप अगर अपने सोने के समय सिरहाने पानी रखकर सोते हैं, सुबह उस पानी को गाछ में डाल देते हैं, किसी भी पौधे में, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपका स्वामी बृहस्पति है, इसलिए आपको केसर का या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपकी वाणी भी ठीक रहेगी और आपका समय भी आपके अनुकूल होता चला जाएगा। दोस्तों, इसमें आप मीठा बोलिएगा। और वैसे थोड़ी सी थकावट भरा दिन दिख रहा है, और वैसे भी धनु राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो ऐसे में आपको आराम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप कहीं यात्रा पे हैं तो वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, वाहन दुर्घटना के योग बने हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हर 12वां व्यक्ति तो धनु राशि का है तो हर 12वां व्यक्ति ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन सावधानी रखिएगा क्योंकि समय थोड़े से आपके विपरीत हैं। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़े मन को बेचैनी करने वाला समय है, इसलिए गायत्री मंत्र का पाठ जप करें, इससे आपका मन शांत रहेगा। और सिरहाने आप भी पानी रखिए। दोस्तों, अगर हम बात करें 11 और 12 फरवरी की, तो आपके ये समय आपका लव आपके साथ रहने वाला है। और हमने जैसे बतलाया 8, 9, 10 फरवरी, तो ये 3 दिन आप सावधान रहिएगा, लव से भी दूर रहिएगा क्योंकि यहाँ पे वो धोखा दे सकते हैं। अब हम जैसे बात कर रहे हैं 11-12 फरवरी की, तो चंद्रमा मंगल के साथ रहकर महालक्ष्मी योग बना रहा है, यानी आपको महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे, भाग्यशाली समय है और सभी रुके कार्य पूरे होंगे, धन आता दिख रहा है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह से धन लाभ होगा। नौकरी की भी प्राप्ति के योग बने हुए हैं, अगर जॉब करते हैं यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और मानसिक रूप से आप प्रसन्नचित रहेंगे। मंगल संबंधी क्षेत्रों में आपको जो जॉब मिलने की अधिक योग बने हुए हैं, सेना, पुलिस फोर्स, खेलकूद वाले क्षेत्र में लाभ होगा। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना बनी हुई है, आप विदेश का मतलब आप कहीं और यात्रा पर जा सकते हैं, लाभदायक रहेगा यात्रा। संतान प्राप्ति के भी उत्तम योग बने हुए हैं, वैवाहिक जीवन आपका उत्तम बना रहेगा और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय पढ़ाई में मन लगाने का है। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा और माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब का इत्र अर्पित जरूर कीजिएगा। इत्र आपको रुई में थोड़ा सा लगाकर अर्पित करना है। और दोस्तों, अगर हम बात करें, वैलेंटाइन डे का सप्ताह है, तो ऐसे में आप 11 और 12 तारीख को बेहतर तरीके से आप समय को व्यतीत कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके अनुकूल है। आप अपने लव को मनाइए, प्रपोज कीजिए और जो चाहते हैं वो कीजिए, मनमर्जी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके लिए समय बेहतर है। अब बात करें अगर 13 और 14 फरवरी, जो सबसे मेन दिन है, छठे भाव का चंद्रमा आपको सावधानी रखने की सलाह देता है क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। हो सकता है कोई मीठा वचन कह के आपको चीट कर रहा हो और आप यहाँ पे कहीं बहुत सारे उसके पीछे खर्चे करके धोखे में ना आ जाए या बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करके धोखा ना खा जाए, इसलिए यहाँ पे थोड़े से सावधान रहिएगा। और दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो मीठी छुरी बन के अक्सर धनु वालों के साथ धोखा कर जाते हैं और धनु वाले अक्सर इन चीज़ों से परेशान भी रहते हैं क्योंकि ये दिल के साफ होते हैं, भले ही थोड़े बोल देते हैं, मुँहफट होते हैं, पर दिल के बहुत सुंदर होते हैं। और वैलेंटाइन डे का समय है, सावधानी जरूरी है, लोग आपको यूज एंड थ्रो जैसी नीति अपना सकते हैं, इसलिए किसी का यूज़ आपको नहीं होना, किसी सामने झुकना नहीं है, अपने मनमर्जी के राजा होते हैं और राजा बने रहिए। यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती किसी के प्यार पड़ने का और ज़बरदस्ती किसी का प्यार पाने का। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर किसी कागजी कार्रवाई पर दस्तखत करनी है तो पहले अच्छे से पढ़ लें, जाँच लें, फिर करें। और किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि लोग आपको धोखा दे सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आपकी वाणी में मीठापन बनाए रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये वैलेंटाइन डे आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि बहुत मायने में अगर हम कहें तो आप लोगों को पहचान पाएंगे या पाएंगे,
कौन कैसा है ये आपको समय बेहतर तरीके से बतला देगा और आप आगे से कभी धोखा नहीं खाएंगे। वैसे आपके लिए समय अच्छा है, हम आपको निराश नहीं करना चाहते हैं, पर समय के अनुसार चलिए धनु वालों, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कितने दिन आप दूसरों के पीछे चलेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, अब खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए आगे बढ़िए, खुद का बारे में सोचिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे।